हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एग मसाला करी। इसके लिए चाहिए 3 उबाले हुए अंडे, कटी हुई 2 प्याज, कटी हुई 2 टमाटर, 3 कच्चा मिर्ची, थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा, राई, नमक, मसाला, ऑयल, धनिया पत्ता, करेपत्ता और थोड़ा इमली। इसको अच्छे से धोकर भिगा कर रख लीजिए। पहले स्टोव जलाकर डेक्सी रख लीजिए। देखिए, गर्म होने के बाद ऑयल को डालिए। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए। उसके बाद उसमें अंडे को डालिए। अंडे को ऐसे कट कर लीजिए, तीन तरफ कट करने के बाद उसमें हल्दी को डालकर फ्राई कर लीजिए। हल्दी को डालने से ये अच्छा कलर आएगा और फ्राई भी अच्छा दिखेगा फ्राई। इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अंडे को एक प्लेट में निकाल कर साइड रख लीजिए। उसके बाद इसी तेल में लो फ्लेम में रखकर राई, जीरा डालकर अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद करेपत्ता, कच्चा मिर्ची डालिए। थोड़े से भूनने के बाद प्याज को डालकर ब्राउन कलर आने तक भून लीजिए। थोड़ा ब्राउन कलर आने तक भून लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा नमक को डालिए। इसे फ्राई होने के बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट को डालिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा मसाला, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद इसके अंदर टमाटर को डालिए। इसे नरम होने तक अच्छे से पका लीजिए। ढक्कन रखकर थोड़ा देर टमाटर को पकने देते हैं।
अब इस इमली में इमली का रस को निकालते हैं। ऐसा इमली का रस को निकाल कर रख लेते हैं। अब इसका ढक्कन निकाल कर देखेंगे टमाटर पका कि नहीं। टमाटर और थोड़ा पकने चाहिए। इसे स्मैश करते हैं थोड़ा। और थोड़ा देर इसे पकने देते हैं। ऐसा टमाटर पूरा गलने के बाद इसके अंदर अंडे को डालकर अच्छे से हिला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता को डालकर फिर से मिलाते हैं। साथ थोड़ा देर पकने के बाद इसके अंदर जितना चाहिए उतना नमक मसाला फिर से डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर इमली का रस को डालते हैं। इसे अच्छे से मिलाते हैं। ऐसा होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर ढक्कन रखकर पका लेते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाते हैं। हम लोग तीन हैं इसीलिए तीन अंडे बनाए। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये खाना में मिलाकर भी खा सकते हैं। टेस्ट रहेगा, खट्टा खट्टा अच्छा रहेगा। एग मसाला कर दे रेडी। अब इसे बाउल में सर्व कर लीजिए। और इसे कोथिमीर से गार्निश करते हैं। एग मसाला करी रेडी हो गई है। अब इसे जरूर ट्राई करिए। अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें। एग मसाला करी रेडी हो गई है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स। इतना नमक मसाला फिर से डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर इमली का रस को डालते हैं। इसे अच्छे से मिलाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर ढक्कन रखकर पका लेते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाते हैं।